चलो बेटा अगे चलते हैं। अपने को एक थ्योरम आ गई 2.1.9। हुण आपां नूं मान लो लैट एच एंड के आर टू सब ग्रुप्स ऑफ जी ये दिते हुए तो आपां नूं ये नहीं पता भी एच के है जिहड़ा ये सब ग्रुप बनूगा कि नहीं। हो सकता बने, हो सकता ना बने। वो कहिंदा जो मर्जी होवे पर इहदा जिहड़ा ऑर्डर है ना वो लभ्या जा सकता। वो की होगा ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ के दी प्रोडक्ट कर ली दी आ, पर नीचे इंटरसैक्शन दे ऑर्डर नाल डिवाइड कर देगा। हुण ये जिहड़ा थ्योरम आ ये थोड़ी जी लंबा चौड़ा जिहा काम आ पर है ईजी। सब तो पहला वी नो दैट एच के आ जिहड़ा ये एक सैट मान लिया ये थानू पता ही है कहे जा। लैट एच इंटरसैक्शन के ये एलीमेंट मानो किड़े आ हूँ आप नहीं पता किड़े आ सो मैं मान लिया ये है एक्स वन एक्स टू। अच्छा टू फाइनाइट सब ग्रुप लिखो इतने एच तो के दोवें फाइनाइट आ ठीक है। इनफाइनाइट होण तो इतने इनफिनिटी रखी जाऊ इतने इनफिनिटी 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 ना गुणा करके की बनूगा कुछ पता ही नहीं अपन। हुण एच ते के जदों फाइनाइट आ उन्हां दी इंटरसैक्शन इनफाइनाइट हो ही नहीं सकती सो ये भी फाइनाइट होगी इंटरसैक्शन। सो इत्थे इहदा ऑर्डर आ जिहड़ा एच इंटरसैक्शन के दा ऑर्डर कितना बन गया एन। लैट ऑर्डर ऑफ एच आ जिहड़ा ना वह मान लो आर आ ते ऑर्डर ऑफ के आ जिहड़ा वह मान लो एस आ ठीक है। इंटरसैक्शन दा ऑर्डर इत्थों गिण के ही पता लगी जांदा की बन गया एन एलीमेंट इहदे च आ गए ये आपां मान लिया। प्रूव की करना हुण अपने कोले प्रूव करने वाला की रह गया ऑर्डर ऑफ एच के है जिहड़ा क्लेम क्लेम मतलब आपां जदों क्लेम करदे आ मतलब यही हुंदा भी असीं इह प्रूफ करन लगे हाँ। ऑर्डर ऑफ एच की है आर, ऑर्डर ऑफ के की है एस, ऑर्डर ऑफ इंटरसैक्शन एन। सो आपां आ प्रूव करना भी एच के च आर एस ओवर एन एलीमेंट है ठीक है। ये चीज़ प्रूव करनी है क्लेम का मतलब यही हुंदा छोटा स्टैप जिहड़ा वड्डे प्रूफ तक इत्थों तक लै जावे। छोटे छोटे रिजल्ट्स जिहड़े विच आपां नूं रुक रुक के प्रूव करने पैंदे आ उहनूं क्लेम लिख के आपां प्रूव करदे आ। एक चीज़ देखो नाओ एच एक फिक्स एलीमेंट चक लिया मैं के एक फिक्स एलीमेंट चक लिया इहनू मैं इदां लिख सकदा एच के उवें ही लिख लिया मतलब ये एच के एक फिक्स एलीमेंट बन गया एच ते के दोवें फिक्स आ ते ए फिक्स आ इन्हां नूं मैं आए लिख सकदा एक्स आई ते एक्स आई इनवर्स। आई कुछ भी होवे वन भी हो सकती आ टू भी हो सकती आ अप टू सो ऑन एन भी हो सकती आ। होना की है एक्स आई ने एक्स आई ना कट्टिया जाना रहना की है एच ते के अल्टीमेटली एलीमेंट तो यही बन जाना। सो एच के जिहड़ा एलीमेंट आ उह किन्ने तरीकियां नाल लिखिया जा सकदा। सब तो पहला जिहड़ा एलीमेंट बन रहा ये देखो ये की है एच एलीमेंट एच का ही रहना तो एक्स आई एलीमेंट है ना जिहड़ा ए एच इंटरसैक्शन के दा इहदा मतलब एक्स आई है जिहड़ा एच च भी है तो के च भी है क्योंकि एच ते के सब ग्रुप है इहदा मतलब एक्स आई इनवर्स एच च भी है एक्स आई इनवर्स के च भी है। सो इहदा मतलब की है कि अपने कोले एच एच दा एलीमेंट आ एक्स आई एच दा एलीमेंट आ सो दोवां दी प्रोडक्ट की दा एलीमेंट हो एच दा आ एलीमेंट एच दा रहा। एक्स आई इनवर्स एलीमेंट की दा आ देखो के दा ते पिछे ला दां जिवें इहदे समॉल के आ एलीमेंट के दा आ वी के दा ते प्रोडक्ट की दा रहूगी के दा सो आ पिछला एलीमेंट आ जिहड़ा ए वी के दा ही आ। सो एच ते के दी प्रोडक्ट आ जिहड़ी वो किहदे च बिलोंग करदी हुंदी है एच ते के नूं सो इहदा मतलब एच ते के दे एलीमेंट्स दी प्रोडक्ट फिर एच के च जाऊगी। सो ये एलीमेंट आ जिहड़ा ये भी एच के दा आ नवां जदों ऐड कीता नवां नवीं चीज़ नवां एलीमेंट बनाया वह भी एच के दा ही आ ठीक है। सो इत्थों की होया अपने कोल इस तरीके नाल मैं एक फिक्स एच के नूं इस तरीके नाल फिर किन्नी बार लिख सकदा थोड़ा जिहा रफ कम च समझो।
आ रफ कम एनू विच ऐड करना, तुसीं एनू विच नहीं ऐड करना। एच के नू तुसीं लिख सकते हो एच एक्स वन इनवर्स के, एक्स टू इनवर्स के, एक्स थ्री इनवर्स के लिख सकते हो। इदा कितों तक जाऊंगे एक्स एन इनवर्स के। पर राजे एक चीज़ देखो, ये एलीमेंट तो एक ही है, एक्सप्रैस किन्ने तरीके ना हो गया, एन वार एक्सप्रैस हो गया, एलीमेंट तो एक ही है, एलीमेंट तो एच के ही है। ये कुछ कुछ ओहो जी चीज़ होगी जिमें इतने टू तो फोर की प्रोडक्ट होवे, एच के अठ आ, मान लो एच के अठ आ, ये फोर तो टू की प्रोडक्ट आ, विच की ला लिया मैं फोर तो टू नू उमेरा लिया, इतने मैं थ्री तो थ्री इनवर्स विच प्रोडक्ट करता। हुण तुहानू पता ना भी ये अठ ही रहूगा, अगले स्टैप च फोर तो टू उमें ला लिया है अठ ही है, इतने फाइव तो फाइव इनवर्स विच प्रोडक्ट करता, एलीमेंट नवा बन गया। इन देखण च नवा लगता है वो ही आ। सो इस एलीमेंट का नवा रूप की बनूगा, देखो ये नवा रूप पता की बनूगा, चार तीए इनू चार नू तीन ना प्रोडक्ट करो बारह, तीन की नैगेटिव पावर है थले चली जाऊगी, दो उपर ही रहन दो, ये बन गया चौबी बटा तीन। हुण थोनू तो पता ही है ना भी ये अठ ही है, सो अठ नू तुसी चौबी बटा तीन लिख सकते हो, लिख सकते हो। अगले स्टैप च पंज नू चार ना पंज चार ते दो नू प्रोडक्ट कर दो, की आया पंज का बीह चाली, पंज की नैगेटिव पावर नीचे चली गई चाली बटा पंज, हुण पता ही अठ पंज चाली होंदा। सो अठ नू जिवें आपां चौबी बटा तीन लिख लें, चाली बटा पंज लिख लें, इहदा मतलब की है तो वह अठ ही रहना। सो एक सैट जो आता हों, मान लो इस सैट च एलीमेंट लिखा मैं अठ चौबी बटा तीन चाली बटा पंज, ठीक है, इनू अठ बटा एक ला लो। फिर अगले स्टैप च अठ की जगह पर मैं लिख लिया छे, छे नू मैं लिखिया छत्ती बटा छे, अड़ताली बटा अठ। हुण मैं तुहानू पुछदा ये सैट च किन्ने एलीमेंट आ, तुसीं कहोगे एक दो तीन चार पंज छे एलीमेंट आ, मैं कहूँगा गलत गिणे आ, मैं कहूँगा इहदे च सिर्फ दो एलीमेंट आ, अठ ते छे, आ भी तो छे ही आ, आ भी छे ही आ, आ अठ आ, आ भी अठ आ, फिर बार बार थोड़ी लिखते होंने आपां। सो एलीमेंट गिणे ज़्यादा बार जा रहे आ, पर है असल च दो। देखो किन्ने आए आ, किन्ने आए आ छे, एदे च किन्ने सी छे, असल च किन्ने आ तीन ना डिवाइड करके जो आंदा असल च दो आ। ये तीन नंबर क्यों आया बई, क्योंकि एक एलीमेंट नू तीन बार लिखा होया, देखो अठ नू तीन बार लिखा होया, छे नू भी तीन बार लिखा होया डिफरेंट वे ना। सो तीन नाल जदों डिवाइड कर दिंदे आपां उहीं गिण लो, इहनू किन्ने आ गए एक दो तीन चार पाँच छे, छे नू जिन्नी बार एलीमेंट रिपीट हो रहे, देखो एक दो तीन, एक दो तीन, सो इत्थे तीन बार तीन नाल डिवाइड करता। सिमिलरली जे कोई सैट मैं इत्थे मान लिया अठ बटा एक, मान लो यही है चौबी बटा तीन चाली बटा पंज, ये तीन बार रिपीट होया, छे बटा एक छत्ती बटा छे, ये दो बार रिपीट होया, चार बटा एक चौबी बटा छे बत्ती बटा अठ छत्ती बटा नौ, देखो आ चार बार रिपीट होया, आ दो बार रिपीट होया, आ तीन बार रिपीट होया, ठीक है। हुण आपां की करांगे, आ एलीमेंट किन्ने आ तीन, रिपीट किन्ने बार होए तीन बार, आ एलीमेंट किन्ने आ दो, रिपीट किन्नी बार होए दो, आ किन्ने आ चार, रिपीट किन्नी बार होए चार, मतलब चार बार ये कह लो कि एक्स्ट्रा लिखे हुए, मतलब ये चार गिने गए पर इन की जगह एक ही चाहिए सी, है ना, एक गिनना चाहिए सी, ये दो गिने गए इन्हों की जगह एक गिनना चाहिए सी, ये तीन गिने गए उन्होंने जगह एक गिनना चाहिए सी, कुल एलीमेंट किन्ने बन जाएंगे एक प्लस एक तीन बन जाएंगे, समझते हो, जिनी बार गिने गए असल च ये गिनती तो यदि जगह भावें यह सौ बार लिख लो, पर है तो ये एक ही एलीमेंट रहना ना,
सो इतने एक्चुअल सैट आ वाला जो सैट मैं बनाता ये सैट कि बन गया अठ छे ते चार आ सैट आ तीन एलीमेंट है ये। सो इदा ही एच के है जोड़ा उन्होंने कई तरीकों ना लिखा जा सकता एन तरीकों हरेक एलीमेंट नन तरीकों लिखा जा रहा। सो यदा मतलब की है ये तो पंगा पै गया। सो कुल एलीमेंट आ जोड़े एक पर्टिकुलर एलीमेंट आ जोड़ा उन्होंने किन्ने तरीकों ना लिखा जा सकता एन तरीकों ना लिखा जा सकता तो पंगा पै गया। मतलब की आ आप देखते हाँ भी पहले तो हूँ एच के ये एच के किन्ने ध्यान रखना बना अपन एच वन के वन आ जोड़ा ये एक एलीमेंट आ एन बार लिखा जा सकता। फिर एच टू के टू आनू भी उवें ही जिमें एच के एन बार लिखा से यू भी एन बार लिखा जा सकता। एच थ्री के थ्री भी एन बार लिखा जा सकता एच फोर के फोर भी एन बार लिखा जा सकता। सो ये तो एलीमेंट ही बहुत बन जाने हैं भाई। सब तो पहला आप देखते हाँ भी जोड़े एलीमेंट्स आ ये ना एग्जाम्पल आ जी ज़्यादा बैटर आ। देखो एलीमेंट किन्ने से छे सी हरेक एलीमेंट नू किन्नी बार लिखा जा सकता जिवें हरेक एलीमेंट नू एन बार लिखा जा सकता उत्थे हरेक एलीमेंट नू किन्नी बार लिखा जा सकता तीन बार। सो उस तीन नाल ही डिवाइड करता एग्जैक्टली अपने कोले टू आ जाता। इनू भावें ना सोचो ये क्योंकि हरेक एलीमेंट नू डिफरेंट गिणती नाल लिखा जा सकता इनू तीन बार इनू दो बार इनू चार बार इनू डिफ इनू छड़ दो यदी गल करो ये थोड़ी जी स्पैशल ये मैच करती सी छे एलीमेंट आ हरेक एलीमेंट नू तीन बार लिखा होया मतलब लिखना चाहिए सी एक बार लिखा होया तीन बार। सो तीन नाल डिवाइड कर देंगे टोटल सैट ज एलीमेंट आ जिन्ने टोटल ए च एलीमेंट होंगे आ रैपीटिशन आ जिनी होंगी वो डिवाइड कर देगा अपने को एग्जैक्ट जिन्ने भी एलीमेंट आ जाते हैं। सो आप एच के एग्जैक्ट एलीमेंट देखना चाहते किन्ने आ। सो मैं एक एलीमेंट चक्या पर देखा कि उन्होंने एन बार लिखा जा सकता तो ये एलीमेंट की जगह कोई भी एलीमेंट हो सकता एच टू के टू भी हो सकता एच वन के वन भी हो सकता एच थ्री के थ्री भी हो सकता एच फोर के फोर भी हो सकता हरेक एन बार ही लिखा जा सकता। यद मतलब एच के भरया पाया नजायज़ नजायज़ एलीमेंट्स ना भरया पाया एच के। सो सब तो पहला देखते हैं बी एच के एलीमेंट आ जोड़े वो किन्ने बन चुके नजायज़ बाद क्डा पहला देखिए किन्ने बन चुके पहले एलीमेंट वास्ते कि चॉइसिस आडे को जिन्हें एच च एलीमेंट आ चक्की चलो रखी चलो। सो ए आर चॉइसिस है दूजे एलीमेंट वास्ते आ एच के बनाने लगा मैं देख लगा भी किन्ने का ये दूजे के च एलीमेंट किन्ने एस। सो कुल आर एस लिखे जा सकते एलीमेंट्स ये आर एस कुल ये ये जो कुल आर एस है ना इन्हां च रिपीट बहुत होए हुए आ मतलब की है कि एक एच के है ना जिहड़ा ओ आर एस तरीक़े ना लिखा जा सकता पर एच के बाद च रिपीट ही हो जाता वो मतलब रिपीट नहीं उही एलीमेंट डिफरेंट डिफरेंट वे नाल।